हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ वालों के लिए प्लेन फिगर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दो वीडियोस में बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन नंबर टू तक सॉल्व कर चुके थे। आप अगर दास गुप्ता को फॉलो कर रहे हैं तो M29 पेज में आपको इसका क्वेश्चन, सॉरी 29 नहीं 19 यानी M9 में आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें एक्सरसाइज है 1A और 1A का आज 3 नंबर से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपको लाइव क्लास में ये लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ ही आपको वीडियो मिलेगा, आप इसे बाद में हमेशा देख सकेंगे। ओके, और तो इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और आपको यहाँ डाउट सेशन भी कराया जाएगा, जैसे मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा दे रहा हूँ तो आपको इसके बाद डाउट सेशन भी कराया जाएगा, जिसमें आप हमारे साथ लाइव जुड़ के को अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसे देखेंगे। आप बुक निकाल के बैठे बच्चों, क्योंकि ये एडिटिंग नहीं है तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ जिससे आप स्क्रीन पे भी क्वेश्चन देख पाएंगे, तो अभी के लिए माफी चाहता हूँ। आप क्वेश्चन बुक में देखते रहें और पढ़ाई करें। कह रहा है कि द एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर A एंड P रेस्पेक्टिवली। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले उसी को लिख लीजिए। आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ, किसका एरिया दिया हुआ बच्चों, तो एरिया और पेरिमीटर दिया है स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू A दिया हुआ है और पेरिमीटर, पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना, P दिया है बच्चों। तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको सिर्फ एरिया दे दिया है ए और पेरिमीटर दे दिया है पी, और साइड तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन बाद में कह रहा है कि साइड डबल हो गया, समझेंगे, बाद में साइड कह रहा है डबल हो गया है ना, और पेरिमीटर भी वही हो गया। कह रहा है साइड्स आर डबल एंड एरिया बिकम्स ए डैश एंड पेरीमीटर बिकम पी डैश, यानी यही कह रहा है कि जब आप साइड को डबल कर देते हैं तो एरिया ए डैश बन जाता है और पेरीमीटर पी से पी डैश बन जाता है। तो बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा ना, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर, समझेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया, एक्स। तो बच्चों देखिए ये विदाउट डैश वाला है, डैश मतलब इस तरह से, और ये विदाउट डैश वाला है, तो जब साइड होगा तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, तो आप जानते हैं साइड्स का स्क्वायर होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर होगा, यानी ए इक्वल टू आपका रिजल्ट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। उसी तरह से ये हो गया, एंड पी मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड होते हैं, तो 4 एक्स, यानी पी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पी एक्स। तो बाद में आपको कहा है कि कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ए डैश बाय ए पूछा है। तो पहले आप क्या करेंगे, ये एरिया और पेरिमीटर को इसी तरह से फाइंड कर देंगे। नाउ अब सेकेंड केस क्या हो गया बच्चों, केस टू आप इसको कह सकते हैं, और ये हमारा हो गया केस वन, आप समझेंगे धीमे धीमे। ओके ये हो गया, देखेंगे व्हेन, व्हेन साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है इफ साइड्स आर डबल, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर डबल, ठीक है ना, डबल, देन क्या हो जाएगा, साइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, डबल। तो पहले एक्स था, अब डबल कहने का मतलब 2x हो गया। तो फिर बच्चों आपको कह रहा है कि एरिया जो है ना, समझ रहे हैं, एरिया जो है वो पहले ए जो था वो ए डैश हो गया, यानी ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एरिया है तो सर साइड का स्क्वायर ना होगा, तो साइड लेकिन एक्स नहीं,
ये 2x है तो 2x का स्क्वायर यानी ये क्या हो गया बच्चों 4 2 2 जा 4x स्क्वायर हो गया एंड पेरिमीटर भी p डैश हो गया पहले p था अब p डैश हो गया तो बच्चों 4 into साइड ही होता है तो 4 है हमारे पास और साइड तो 2x है ना बबुआ तो ये हो गया हमारा 8x तो p डैश भी निकल गया। अब वन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वन नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है a डैश बाय a आपसे रेशियो ना पूछा है आपसे इस तरह से नहीं पूछा है आपसे इस तरह से पूछा है तो देखिए बच्चों इस तरह से जब पूछे तो आप इसको इस तरह से भी आराम से लिख सकते हैं मतलब हाँ सर आराम से तो लिख सकते हैं। अब देखिए एरिया में a डैश कितना है तो आप कहेंगे कि 4x स्क्वायर है बच्चों तो 4x स्क्वायर लिख दिए और a कितना है x स्क्वायर है तो हमने x स्क्वायर लिख दिया कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 4/1 हो गया बच्चों यानी आपसे रेशियो पूछा था तो 4:1 हो गया कमाल हो गया कमाल हो गया क्या करें कोरोना में भी धमाल हो गया धमाल। अब एक वन नंबर हो गया मैं टू नंबर यहाँ बना देता हूँ क्या करता हूँ बना देता हूँ देखिए p डैश इज टू p भी कहा है आपसे तो इसको p डैश बाय p लिख देंगे p डैश कहाँ है p डैश देखिए वहाँ है यहाँ है 8x तो 8x बाय p देखिए यहाँ है 4x तो फिर ये कैंसिल हो गया टू से ये हो गया 2/1 इस तरह से क्वेश्चन गया बन क्या मजा आया। तो बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ हमारे साथ हजारों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो आपको मजा आएगा आप टेंशन बिल्कुल ना लो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में और हमारे साथ सभी बच्चे जुड़े हुए हैं नन्हे मुन्ने बच्चे जुड़े हुए हैं और तो लाइव क्लास तो शो कर ही नहीं रहा है कोई बात नहीं आज हम इसके चक्कर में कमेंटबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले हैं रोज मेरा कमेंटबाजी के चक्कर में क्लास गड़बड़ा जाता है इसलिए आज मैं कमेंट बिल्कुल नहीं किसी का पढ़ूंगा चाहे हमें करोड़ों कमेंट्स क्यों नहीं आ जाए बट मेरा ध्यान आज उधर ना जाए बिकाऊज 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 I am a boy of class education. समझ में आ रहा है आ रहा होगा चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखे जाए देखते हैं चलिए देखते हैं कह रहा है एक बार हम घूमिए के देख लेते हैं वीडियो का क्या हाल चाल का वीडियो का हाल बुला है नहीं है इसका बुला हाल वेरी गुड मेरा वीडियो वेरी गुड मेरा वीडियो वेरी गुड। चलिए अब कह रहा है बी नंबर क्वेश्चन गौर से देखो क्या देखो गौर से देखो कह रहा है द एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आर ए एंड बी फिर वही क्वेश्चन है स्क्वायर के बदले क्या कर दिया रेक्टेंगल कर दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पी बोले इतना में कोई दिक्कत बोले नो सर। अब क्या कह रहा है आप देखिए बी नंबर में कह रहा है इट्स लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ अब यहाँ देखिए लेंथ और ब्रेथ एरिया रेक्टेंगल जो है बच्चों रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ होता है और ब्रेथ होता है तो हम लोग सपोज कर लेंगे जिस तरह से उसमें साइड्स होते थे तो हमने साइड को सपोज किया था यहाँ लेंथ है और ब्रेथ है तो दोनों को सपोज करेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ यानी यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ एल और बी नहीं सपोज करना है आपको ब्रेथ सपोज करना पड़ेगा और ब्रेथ से कंपेरिजन है यानी लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू अगर x सपोज करते हैं तो लेंथ जो हो जाएगा
ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कनेक्ट ट्वाइस द ब्रेथ, दैट मींस 2x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ एल और बी कुछ भी सपोज नहीं करेंगे, और इतनी बातें फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है, इसीलिए नाउ हम लोग क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू आप जानते हैं एल बी होता है, एल हमारे पास 2x है और बी है x, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है, बोलिए नहीं। फिर पेरिमीटर भी P दिया हुआ है, तो P इक्वल टू पेरिमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एल है हमारे पास 2x और B है हमारे पास x, दैट इज 2 हो गया, और इंटू ये 3x हो गया, तो ये 3x हो गया, यानी ये क्या हो गया 6x हो गया, यानी पेरिमीटर हो गया 6x। अब क्या कह रहा है देखिए, अब सेकेंड स्टेप देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको एरिया दिया हुआ तो था, बट यहाँ आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोला नहीं था, आपको उसका रेशियो पूछ दिया है, इसीलिए हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। ये एरिया का तो वैल्यू था, सपोजिशन था, उसका रियल वैल्यू जो हुआ वो ये हुआ, इस पी का रियल वैल्यू क्या हुआ उसके कंडीशन में 6x हुआ। नाउ केस टू, अब देखेंगे क्या होगा। देखिए बच्चों ये हो गया केस वन, अब यहाँ लिखेंगे केस टू, तो इसको पहले लिख लीजिए केस वन, यहाँ लिखा हुआ भी है। ओके चलिए, कह रहा है केस टू में, इफ द लेंथ इज डबल्ड एंड ब्रेथ इज ट्रिबल्ड, यानी ये हो गया कि लेंथ को आप डबल कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, आप रेक्टेंगल उसको समझेंगे, इज डबल्ड यानी 2 इंटू 2x, जो पहले हमारा 2x था उससे डबल, यानी ये 4x हो गया। फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या कह रहा है, ब्रेथ को कर रहे हैं आप कहाँ गया ट्रिबल, यानी वो 3 टाइम्स हो रहा है, तो पहले x था वो ट्रिबल हो जा रहा है, यानी 3 हो गया, क्या हो गया 3x हो गया। मुझे को दिक्कत है, फिर से आप एरिया फाइंड कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जो एरिया फाइंड करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया बिकम्स ए डैश, तो पहले ए था अब ए डैश हो गया, ए डैश इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज 4x इनटू 3x, यानी ये हो गया 12x स्क्वायर, और पेरिमीटर हो जाता है बिकम्स पी डैश, तो पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इनटू एल प्लस बी, एल है हमारे पास 4x 3x, यानी हो गया 2 इंटू 7x दैट इज 14x, ये हो गया दोनों हो गया। अब आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछा है कि दोनों का रेशियो क्या है, तो रेशियो दैट मींस वन नंबर में एरिया का रेशियो पूछा है, और आपसे पूछा है ए डैश बाय ए, ए डैश इज टू ए इक्वल टू ए डैश बाय ए भी कर सकते हैं, तो बोले ए डैश क्या निकला है, ए डैश निकला है 12x स्क्वायर, और बाय ए कितना है, ए कितना है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया, यानी 6 बाय 1 दैट इज 6:1 आपका क्या हो गया आंसर। एक बार आंसर जरूर देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 6:1 3 का बी, 6:1 बहुत बढ़िया। अब देखते हैं बच्चों, ये एरिया वन नंबर हो गया, टू नंबर यहाँ देख लीजिए, टू नंबर में पेरिमीटर का रेशियो पूछा है, पी डैश पी पूछा है, पी डैश और पी का रेशियो पूछा है, पी डैश पी का रेशियो मतलब पी डैश बाय पी निकालना होगा, पी डैश है हमारे पास 14x आप देख रहे हैं, अब पी है हमारे पास 6x, ये कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 7, यानी क्या हो गया 7:3, ये आपका हो गया पी डैश का रेशियो पी से कितना हो गया, कितना हुआ है आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार देख लेना चाहिए कितना स्क्रीन आ रहा है, क्योंकि नया नया कैमरा है और नए नए कैमरे में कुछ आता नहीं है। देखिए मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ बच्चों, है ना, अब आप नोट करियो, देखिए कितना नहीं आया था, अब हम क्या करें, इसका क्या करें, आपका क्या करें, देखिए यहाँ रखना पड़ेगा, देखिए 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 इसको, देखिए मैंने अभी क्या किया, सिर्फ रेशियो फाइंड किया है नीचे में,
और कुछ भी नहीं किया है ऊपर में। मैंने क्या किया है, अब कैमरा को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए ट्राइपॉड को अलग से सेट करना पड़ेगा, और अभी तुरंत नहीं हो सकता है क्योंकि ये देसी जुगाड़ पे चल रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, आप इसको एडजस्ट कर जाए, है ना, एडजस्ट कर जाए वरना आप किधर जाएंगे। मैं इसे मिटा दिए देता हूँ। चलिए अब थ्री का सी नंबर आप देख लीजिए, शुक्रिया मेहरबानी सनम। देखिए कह रहा है इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, तो फिर कह रहा है कि व्हाट परसेंट रिड्यूस्ड विल टेक प्लेस, रिडक्शन विल टेक प्लेस इन एरिया ऑफ स्क्वायर। कह रहा है कि आप अगर क्या कर देते हैं, साइड के साइड को अगर 50% कम कर देते हैं, तो पहले तो मानो ना बच्चा, लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या मैं सपोज करो ए करो, तो बच्चों एरिया भी पहले निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर साइड का स्क्वायर होता है, तो आप ए सपोज करते ए स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब कह रहा है नाउ व्हेन साइड्स इज रिड्यूस्ड बाय 50%, यानी वो 50% क्या हो गया, कम हो गया। तो बच्चों कितना बचो, कितना 50% जब कम हो गया तो 50% बचा, यानी साइड जो था 50%, यानी पहले ए था और 50% का मतलब ए का 50% बचा होगा, तो ये कैंसिल हो गया 5 2 जा। सीधा भी कह सकते थे कि पहले कितना था, बोलिए पहले ए था उसका 50% ए बाय 2 होगा, सिंपल सी बात ये हो गया। तो फिर एरिया फाइंड कर लीजिए, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया a बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बाय 4 हो गया। नाउ कह रहा कि कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, कह रहा कि फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन, तो लिखेंगे यहां परसेंट रिडक्शन इक्वल टू, देखिए बच्चों रिडक्शन मतलब किससे घट के गया, किससे घट गया, वो बड़ा वाला पहले रिडक्शन, दैट मींस देखिए पहले इतना था अब रिड्यूस होके इतना हुआ, तो मेन कौन था ये वाला, तो इसको पहले और रिडक्शन रिजल्ट बाद में, और बाय मेन वाला याद रखियो, मेन वाला ये वाला है ना, रिडक्शन जब भी हो तो मेन वाला और बाद में रिड्यूस्ड वाला और बटे में मेन वाला ही होता है, रिडक्शन ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो देखिए एरिया का रिडक्शन, तो पहले ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 और नीचे में क्या सिर्फ ए स्क्वायर और इनटू 100, यही हुआ परसेंटेज रिडक्शन। चलिए यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हो जाएगा 4a² - a² / 4, और ये देखिए फिर ये नीचे नहीं आएगा, हम जान रहे हैं कि ये हमें तबाह करके रहेगा, करके रहेगा ये तबाही। यहाँ देखिए देखिए बच्चों ये हो जाएगा हमारा a 4a² - a² / 4 और बाय में है हमारा a स्क्वायर, इसके लिए पूछी ये पलट जाएगा तो कहाँ जाएगा 1/a² में जाएगा और इनटू 100। देखिए ये इससे कट गया 25 और यहाँ देखिए 3a² * 1/a² और इनटू 25। देखिए a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 3 = 75% इज योर आंसर, परसेंटेज रिडक्शन, दैट मींस 25% ही क्या हो गया आपका आंसर। तो बच्चों मैं ये न्यू कैमरा को सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता है, और मैं मूवी के मोड में करके इसको मूविया रहा हूँ, इसीलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, फिर जस्ट ही आपको वीडियो मिलेगा। बाय।